उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टार्टअप योजना के तहत नई पीढ़ी के लिए नए विजन के साथ नया उत्तराखंड बनाने की पहल तेज कर दी। स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड स्टार्टअप ग्रांट की पुरस्कार धनराशि को 50,000 से बढ़ाकर 2,00,000 किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप का मासिक भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 किए जाने की घोषणा। SST के लिए यह भत्ता 20,000 मासिक होगा। CM धामी ने कहा कि जिन युवाओं के माध्यम से स्टार्टअप के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। युवाओं को हर एक क्षेत्र में काम करने का अवसर अगर किसी ने दिया है तो वो PM मोदी हैं। CM धामी ने कहा कि मुद्रा ऋण हो या कौशल विकास, इन सब के पीछे ये उद्देश्य था कि जो भी नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसको लेकर लगातार एक से एक योजना चल रही है। प्रोत्साहन राशि 15,000 मिलती थी, उसको 20,000 जो SC ST और विकलांग के क्षेत्र में 15,000 से 20,000 किया है, और जो सामान्य स्टार्टअप हैं उनको 10,000 मिलती थी, उसको हमने इसी प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत कि उनका प्रोत्साहन हो उसको 15,000 करने का, और जो ग्रैंड जो इस प्रकार का चैलेंज जो हमारा होता है उसमें हमने 50,000 से 2,00,000 करने का जो है निर्णय किया है। नहीं देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल फॉर वोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं, स्टार्टअप इंडिया, तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं, आगे और अच्छा काम करेंगे। जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने, उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारी सरकार भी स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए उसकी जो हमारी नीति है पूरी तरह से उनका सहयोग करके, उनका प्रोत्साहन करके उनको आगे बढ़ाने की है। और जो भी युवा जो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे उद्यमी लोग भी उनके सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, और हम सबका इस प्रकार से एक संवाद का कार्यक्रम इसको लगातार जारी रखेंगे, उद्योग समूहों के साथ भी, अन्य समूहों के साथ भी, जिससे कि इसकी व्यवहारिकता के साथ ये स्टार्टअप आगे बढ़े, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े।